आज एक ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक क्षण। दोपहर ठीक 2:35 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेज दिया गया। आप भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ठीक आपकी तरह हम भी टकटकी लगाए टीवी पे और यूट्यूब पर इस क्षण को देख रहे थे। यकीन मानिए, आपको अंदाजा नहीं होगा आज कितने लोग जब यह लम्हा हो रहा था तो यूट्यूब पर थे। इसरो की जो यूट्यूब फीड है उस पर 1.9 मिलियन लोग एक साथ इस लम्हे को देख रहे। इस क्षण के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है, और जब मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तो पूरे देश ने दिल थाम कर इस क्षण का इंतजार किया। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, टीवी और डिजिटल माध्यम से यह भरोसा सबके मन में था कि लॉन्चिंग जरूर सफल होगी। और फिर खबर आई कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है, यानी कि जो अब ऐसे ऐसे ऑर्बिट करेगा पृथ्वी के इर्द गिर्द। इसकी खुशी में वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में 40 दिन लगेंगे। चंद्रयान 3 का सफर शुरू हो गया है और सबकी यही दुआ है कि यह सफर कामयाब रहे। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। इसका कुल भार 3,900 किलोग्राम है। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चांद तक ले जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी से चांद की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। इसरो प्रमुख ने कहा है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 23 अगस्त शाम 5:47 पर चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। कंग्रेचुलेशंस इंडिया। चंद्रयान 3 हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी टुवर्ड्स मून। आवर डियर LVM 3 हैज ऑलरेडी पुट चंद्रयान 3 क्राफ्ट इनटू द प्रिसाइज ऑर्बिट अराउंड अर्थ। 170/36,500 किलोमीटर वाज इट्स इंटेंडेड टारगेट ऑर्बिट एंड इट इज प्रिसाइसली देयर नाउ। And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit raising maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. बहुत बड़ी उपलब्धि। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए स्टूडेंट्स भी इसरो पहुंचे। वो अनुभव उन्हें मिला है जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I feel very proud that our scientists and our country is doing so good. ISRO is doing better day by day. It was once in a lifetime experience, and I think I will never get to witness something like this again. So I feel very proud of my country and it's developing. It's my first time witnessing it live. I feel absolutely exhilarated, and it was an amazing experience. ISRO की वेबसाइट पर इस मिशन के उद्देश्य के बारे में ये बताया गया है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को चांद पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। इसरो की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है कि मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर मिशन सफल रहा तो अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला सिर्फ चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलता से उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश भी हुए हैं। चीन ने 2013 में Chang'e 3 मिशन भेजा था। यह मिशन पहले प्रयास में ही सफल हो गया। लेकिन यह क्या है पूरा मामला और क्या करेगा चंद्रयान 3? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। भारत की चांद पर जाने की मुहिम, लॉन्च पैड पर शान से विराजमान भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। वी हैव इग्निशन।
इस रॉकेट का वजन 130 एशियाई हाथियों के बराबर है। एक एक करके रॉकेट के हिस्से अलग होते जाते हैं और उपग्रह ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाता है। चांद पर जाने वाला 3.9 टन का चंद्रयान 3 उपग्रह रॉकेट से छोड़ा जाता है। ये पृथ्वी की कई परिक्रमाएं करता है, फिर चांद तक के 384,000 किलोमीटर के सफर पर निकलता है, फिर धीमा किया जाता है ताकि चांद के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में आ सके। चांद की कक्षा में ये कई दिन रहता है। इसरो के आदेश पर विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ चांद पर उतरने के लिए छोड़ा जाता है। ऑर्बिटर चांद का चक्कर काटता रहता है। विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने के सबसे खतरनाक सफर आतंक के कई मिनट की शुरुआत। ऑर्बिटर और लैंडर कैमरों के जरिए उतरने की सबसे बेहतर जगह ढूंढेंगे। लैंडर अंतिम बार चांद की सतह पर उतरने आएगा। एक रैंप के जरिए तिरंगा झंडा चांद पर उतरेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतारा जाएगा। चांद पर रोवर और लैंडर के 14 दिनों तक काम करने की उम्मीद। भारत चांद के ऊपर हमेशा के लिए अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। इसरो के एनिमेशन के साथ पल्लव आगला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब सुनते हैं जो इस विभाग के मंत्री हैं एमओएस जितेंद्र सिंह, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हमसे बात की। हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बड़े विलंब से प्रारंभ हुई थी, लेकिन आज हम अपना लोहा मनवाने में इस कदर कामयाब हुए हैं कि देश, जो विकसित देश जिन्होंने अपनी यात्रा हमसे कई बरस पहले प्रारंभ की थी, वो भी आज इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को बड़ी दिलचस्पी से, उत्सुकता से वॉच कर रहे हैं कि इससे क्या परिणाम निकलेंगे। उससे उनको भी लाभ पहुंचेगा, उनके आने वाले समय में जो नए नए प्रयोग होंगे, नए नए मिशन होंगे। और ये चंद्रयान के साथ एक और भी बात जुड़ी हुई है कि भले ही कुछ और दूसरे देशों ने चांद की धरती पर पहुंचने में कामयाबी पहले प्राप्त की हो, लेकिन चांद पर पानी के होने के, जल के होने के प्रमाण ले आकर आने वाला पहला मिशन भारत का ही था, चंद्रयान 1। यदि चंद्रयान 1 के माध्यम से जल के होने के प्रमाण आए, तो इस बार साउथ पोलर एरिया में लैंडिंग होगी, जहाँ पे उस प्रकार के क्रेटर्स पाए जाते हैं, जिनको लेकर के कुछ और अधिक प्रयोग करने में स्वतंत्रता रहेगी। इसके अतिरिक्त इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स भी होंगी। तो जो हमें प्रमाण पहले मिले थे, उससे कुछ आगे बढ़ करके कि चंद्रमा की धरती पर किस हद तक मानव जीवन की संभावना हो सकती है, ये भी। और स्टडिंग मून फ्रॉम दी मून, अभी तक तो धरती से बैठ करके चंद्रमा की भिन्न भिन्न पहेलियों को सुलझाने का प्रयास किया जाता था। जहाँ पहेली नहीं सुलझती थी, तो हम गीत गा करके ही संतोष प्राप्त कर लेते थे। अब वास्तव में चांद की पहेलियों को चांद की धरती से सुलझाने का काम होगा। स्टूडियो में मैं अब स्वागत करना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान का। आप ये समझिए कि जब भी स्पेस वेस के बारे में बात हो, तो ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये चेहरा तुरंत सामने आता है। और मेरा तो एक और, मैं दर्शकों को बता दूं एक इंट्रोडक्शन, पल्लव बागला जी हमको बहुत छोटे से जानते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में जहां रहते हैं वहीं पर हम भी रहते थे, और चांद सितारों की बात तब से हम सुन रहे हैं, और लोग तो स्टूडियो में सुनते हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है आमने सामने बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लव बागला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके संग जुड़ने में बहुत अच्छा लगा जी। दर्शकों को एक एक करके अगर हम समझाएं कि आज क्या हुआ है, आगे क्या होगा, कब कैसे होगा, ताकि ये जो खुशी हो रही है लोगों को, 1.9 मिलियन लाइव व्यूज, मतलब पूरा देश ये देख रहा है और इंटरेस्टेड है इसमें। तो सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और पल्लव जी से बोलेंगे कि उन तस्वीरों को समझाएं कि आज दरअसल हुआ क्या। तो पल्लव जी ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, क्या हुआ आज जो आपने देखा, वो कई सालों का एक तपस्या है इसरो के वैज्ञानिकों की। 2019 के बाद जब फेलियर हुआ था विक्रम लैंडर का चंद्रयान 2 में, उसको सुलझाया उन्होंने, और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से
उसको आज श्रीहरिकोटा से धरती की कक्षा में प्रक्षेपित किया। ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि धरती की ग्रेविटी से छोड़ के उसको ऊपर पहुंचाना ये बड़ा ही एक मुश्किल काम होता है, और सबसे ज्यादा फेलियर इसी फेज में होते हैं। तो आज का काम जो है वो मुश्किल था, लेकिन लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको कि मैं बाहुबली रॉकेट बोलता हूं, जो आपको दिख रहा है अच्छा, तस्वीरों में, ये बाहुबली, इसको बाहुबली बोलता हूं। तो ये बाहुबली रॉकेट जो है एकदम सक्षम तरीके से इसने आज 100% ये जो हम तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, ये रॉकेट है, ये बाहुबली रॉकेट ऊपर गया, उसके बाद फिर ये जो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको चीरते हुए इसने चंद्रयान को अब ऐसे ऑर्बिट में अब वो घूमता रहेगा, अब वो धरती की कक्षा में घूम रहा है। हाँ। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। हाँ। थोड़ा धरती के पास आता है और फिर थोड़ा दूर जाता है। चलिए ये हो गया, ये जो आप समझा रहे हैं ये है सेकंड फेज। आइए वो तस्वीरें स्क्रीन पर डालते हैं ताकि लोगों को समझ में, अब आपको समझ में आया, पल्लव जी ने बताया कि ये रॉकेट उड़ा और ये जो आप देख रहे हैं उसके बाद वो आज का जो काम हुआ है कि हमने ये पा लिया है, जो अभी हो रहा है। इसी जगह धरती के ब्लू प्लैनेट जो दिख रहा है इसके हाँ। चारों बगल उसने छोड़ दिया है। हाँ, तो वो ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। अब चंद्रयान अपनी दम पे चांद की तरफ रवाना हो चुका है। हाँ, और इसके आगे वो प्रोपल्शन मॉड्यूल। अब आइए सेकंड फुटेज आपको दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेट। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो फुटेज है कि किस तरीके से चंद्रयान जो है वो गोल गोल धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये हाँ। ये जो दिख रहे हैं आपको हाँ। ये धरती के करीब घूम रहा है। इसको कई दिनों तक धरती के चक्कर लगाएगा, इसकी ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा, लंबा करा जाएगा, और फिर मतलब अंडे की तरह गोल नहीं होगा, ऐसे ऐसे लंबा हाँ, होता लंबा करेंगे हाँ। और एक दिन जरा सा धक्का दे के इसको चांद की तरफ भेज देंगे सीधा। और अगर इसमें है, अगर धक्का दे दो तो चांद की तरफ, अगर मंगल की तरफ भेजना है तो उधर धक्का दे दीजिए तो मंगल चला जाएगा। ये पल्लव जी आप अगर समझाएं, ये कुछ उस तरीके से है जैसे आप गुलेल को पीछे खींच के यूं छोड़ते हैं। बिल्कुल, हम आपके पास अगर बड़ा रॉकेट हो हाँ। बाहुबली का भी बड़ा भाई हाँ। तो आप सीधा भेज सकते हो हाँ। सीधा चांद पे चला जाएगा वो हाँ। लेकिन आपके पास इसमें इंसान तो है नहीं, रोबोट है, छोटा रॉकेट है, तो क्या करोगे? जब आपके पास ऑटो रिक्शा होगा तो आप ऑटो रिक्शा को इस्तेमाल करके अपनी निश्चित जगह पहुंचना है आपको, तो उसको ऊबर की तरह इस्तेमाल करिए और पहुंच जाइए। हाँ। उसी तरह से आपने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से इसको धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर धरती के ग्रेविटी को यूज करके आप चांद की तरफ जाएंगे। वही गुलेल की तरीके से हाँ, खींचा हाँ। और आगे बढ़ा दिया इसको हर बारी कर करके। तो ये काम जो है बोलने में आसान है लेकिन बहुत गहरी मैथमेटिक्स है इसमें, और जरा सी भी गलती हो जाए तो फेल हो जाता है। तो जो अभी पल्लव जी बता रहे हैं हो क्या रहा है, ये चंद्रयान पहुंच गया, धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब धरती की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसको धरती की ग्रेविटी से ये वापस आएगा और फिर इसको ऊपर फेंक दिया ऊपर की ओर, तो ये रिंग लंबी होती जाएगी, मतलब वो एक एक दिशा में धरती से और दूर धीरे धीरे जाता रहेगा। ठीक है, यही ये रिंग बन रही है। और फिर अब आते हैं तीसरे सेट पर, वो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये धीरे धीरे करते करते फिर चांद के ऑर्बिट में आ जाएगा, फिर देखिए वहां घूमे। चांद की गिरफ्त में आना हाँ। बड़ा मुश्किल काम होता हाँ। है। आपने भेजा, अगर चांद की ग्रेविटी में कैच करने की उसकी वेलोसिटी से ज्यादा हुई तो वो टच करके बाहर चला जाएगा और फ्लाई बाय मिशन बन जाएगा। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि चांद उसको अपने गिरफ्त में ले ले हाँ। और मोहब्बत से अपने पास बुला ले और हाँ। अंदर घूमने लगे चांद के हाँ। चारों बगल। और ये सब कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन हाँ। तो होती है लेकिन बहुत मुश्किल जटिल काम है हाँ। प्रिसीजन चाहिए, बहुत प्रिसीजन चाहिए हाँ। ये इसरो ने इसकी बहुत सटीक तरीके से उन्होंने तैयारी कर रखी है। ये पहले भी किया है हमने, ये यहां तक तो मुझे उम्मीद है कि बहुत कर ही लेंगे वो लोग, क्योंकि ये कर चुके हैं हम। और एक बारी जब चांद की गिरफ्त में आ जाए, जब चांद की मोहब्बत में आ जाए उसके बाद जैसे हमने धरती पे उसकी कक्षा को बड़ा किया था, अब वो लंबी कक्षा से उसको छोटा करेंगे छोटा करा जाएगा, तो धीरे धीरे करके। और यहां पर आते हैं हम स्टेज नंबर 4, जहां पर चंद्रयान 2 फेल हुआ था। इसके बाद ये है स्टेज नंबर 4 जी। इसके बाद गोल गोल करके जब वो आ जाएगा 100 किलोमीटर की ऑर्बिट पे ले आएंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में, फिर उसको 23 अगस्त को जब छोड़ा जाएगा, एक जगह से छोड़ेंगे नॉर्थ पोल के करीब से,
और वो वापस उसको पहुंचाया जाएगा साउथ पोल पे। प्रोपल्शन मॉड्यूल से ये विक्रम लैंडर हटेगा जो हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। ये तो विक्रम लैंडर देख रहे हैं, प्रज्ञान रोवर दिख रहा है आपको। ये तो थोड़ी देर की स्टेज है, इसके पहले जब अभी प्रज्ञान रोवर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो कि धरती की चांद की सतह पे इसरो का अपना लोगो छोड़ेगा, तो परमानेंट इम्प्रिंट छोड़ा जाएगा। लेकिन पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर हटेगा और फिर वो 17-18 मिनट का जो एक टाइम है जिसको एक फ्लाइट ऑफ टेरर बोलते हैं, क्योंकि उसमें उसको धीमा हो, पहले नीचे आना है, फिर धीमा होना है, चेक करना है गड्ढे नहीं है, पत्थर नहीं है, सब कुछ चेक करके सेफली लैंड करना है। पिछली बारी यहीं पे हमारा विक्रम लैंडर फेल किया था। अब की से इसरो ने बहुत सबक सीखे हैं। पिछली बारी विक्रम लैंडर में 5 इंजन थे, बनाया विक्रम लैंडर 4 इंजन के साथ गया था, किसी ने बड़ी हिम्मत करके उसमें एक लास्ट में 5वां इंजन और लगा दिया, उसके कारण सारा उसका खेल बदल गया और विक्रम लैंडर लास्ट में फेल हो गया। अब की से वो 5वां इंजन हट गया है, 4 इंजन है और उसकी टेस्टिंग बहुत जबरदस्त तरीके से की गई है। धरती पे खूब टेस्ट हुआ, सिमुलेशन जिसको कहते हैं, टेस्ट हुआ। एक सतह बनाई गई थी जो कि चांद की सतह दिखती है और उसके ऊपर से उसको सिमुलेशन करके टेस्ट किया और उसके बाद उसको अब भेजा गया है। अभी भी काम बड़ा मुश्किल है। देखिए, जब भारत का फेल हुआ उसके बाद इसराइल का फेल हुआ, जापान का फेल हुआ, तो ये काम बड़ा मुश्किल है। जब किया था तब भी हम चौथे देश बन रहे थे, आज भी अगर अगस्त में सक्सेसफुल हुआ तो चौथे ही देश बनेंगे। बिल्कुल। और लेकिन जब विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा तब उसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और ये करा जाएगा चांद के सवेरे पे। चांद का जो दिन है वो 14 दिन का होता है, धरती के 14 दिन का। 14 दिन सवेरा रहता है, 14 दिन अंधेरे रहते हैं, तो 14 दिन का जो डॉन होगा उसमें इसको उतारा जाएगा, क्योंकि ये सोलर पावर, ताकि सूर्य की ऊर्जा इस्तेमाल करके वो अपना काम करे जो उसको काम करना है। ये आपने बड़ी अहमियत वाली बात बताई। अब ये समझते हैं, जो आपने यहां मास्टर क्लास ली है वो मैं कितना समझ पाया हूं मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताइएगा मैं ठीक से समझ पाया है। अरे संकेत, आपके संकेत बड़े। सबसे पहले वो आज की स्टेज है, ये रॉकेट उड़ा, रॉकेट ने उसको पृथ्वी की कक्षा में ले आया, अब वो वहां गोल गोल घूम रहा है। उसके बाद जैसे कि गुलेल होता है वो स्लिंग शॉट की तरह ये ऐसे ऐसे करके वो ऑर्बिट से और दूर जाता रहेगा और ये प्रक्रिया कुछ समय लेगी। फिर धीरे धीरे वो जैसे पृथ्वी से दूर जा रहा है तो एक उसको इशारा दिया जाएगा कि अब मून की ऑर्बिट में चले जाओ, अब आप चलो चांद की तरफ चलो, दवाना चांद को छुओ। तो फिर वो धीरे धीरे चांद, और जो जैसे धरती से दूर गया वो गोल गोल घूम के चांद के पास आएगा और लास्ट में वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा, चेक करेगा कि मैं जहां लैंड कर रहा हूं वहां गड्ढे वड्ढे तो नहीं है, और फिर वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। बिल्कुल, और फिर लैंडिंग बहुत जरूरी है। फिर और यहीं पर चंद्रयान 2 फेल किया था। फिर वो खुलेगा, उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा, वो जा करके फिर अपना डेटा जो भी है 14 दिन, क्योंकि वो बिजली से चलता है, वो 14 दिन में सूर्योदय से, तो वो वहां से अपनी इंफॉर्मेशन जो भी लेगा वो पृथ्वी भेजेगा और एक अमिट छाप छोड़ेगा इसरो की। बिल्कुल, देखिए इसमें एक और समझने की बात है संकेत। जब प्रज्ञान रोवर निकलेगा, प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर की तस्वीर लेगा और विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर की तस्वीर लेगा और दोनों पे भारत के झंडे की छाप है, तो चांद की सतह से अगस्त में अगर सब कुछ सही हुआ तो पहली बार चांद की सतह से सेल्फी आएंगी, हिंदुस्तान की अपनी ली हुई सेल्फी वो दिखेंगी और उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा जो वैज्ञानिक कार्यक्रम है। एक और चीज समझने की जरूरत है संकेत, बाकी सब देश जो गए हैं आज तक चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, सबने इक्वेटोरियल रीजन ऑफ मून पे किया है, हिंदुस्तान ने इसको साउथ पोल की तरफ किया है और उसका एक कारण है वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, तो नई चीज मिलेगी, नई चीज मिलेगी। और दूसरा, 2008 में जब चंद्रयान 1 हुआ था उसमें से एक मून इंपैक्ट प्रोब निकला था और वो उसी साउथ पोल रीजन में लैंड किया था। बहुत खूब। तो 2008 में भारत ने अपना झंडा चांद की सतह पे पहुंचा दिया था। अब उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। और एक और छोटी सी चीज ऐड करता हूं, एक मिनट में, ये जो एरिया है
पहले 500 बाय 500 मीटर का एरिया था, इसको बढ़ा करके करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें लैंडिंग होगी। अब उसको मैंने जैसे मंगलयान के टाइम पे हुआ और टाइम पे हुआ, उस एरिया का मैंने एक नाम दिया है, उसका नाम मैंने दिया है कलाम विहार। वो 10 स्क्वायर किलोमीटर का साउथ पोल रीजन का एरिया है, क्योंकि जब मून इंपैक्ट प्रोब बना था चंद्रयान वन में, वो भारत के पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप चांद पे जा रहे हो तो चांद की सतह पे झंडा जरूर लगाओ। और देखिए उनका सोच बहुत बड़ी थी। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्टिमिस अकॉर्ड साइन किया। आर्टिमिस अकॉर्ड में कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में चांद पे मालकियत की बात आएगी, बिल्कुल, और वो आएगी तो भारत है। झंडा गाड़ने की बात उन्होंने बात इसलिए कही थी उन्होंने, बहुत अहम बात। और अंत में बस यही कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से समझाने के लिए। और एक बार स्क्रीन पर फिर से वो दिखा देते हैं जिससे हमने कार्यक्रम शुरू किया था, जब हमने लिख करके ये बताया था कि हम और पूरा देश ये चाहता है और ये मानता है कि ये जो चंद्रयान 3 है ये जाके चांद छू लेगा। तो जाओ छू लो चांद।